सबीनिश यहाँ इसलिए आई है कि देखो ना, हर साल हर वक्त जो है ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं. हम गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब सबको ये होगा कि अच्छा जी, हम तो बेस लगाएंगे जब ईद पर. मेकअप करते हैं, मेकअप मेल्ट करता है. यस, तो मेल्ट कर जाएगा. किचन में भागेंगे इधर जाए, हर जगह तो एसी नहीं होगा. मिलना मिलाना ये वो. सो तुम प्लीज कुछ मेकअप खास तौर पे बेस टिप, मेकअप की बेस टिप्स करो. अच्छा, सबसे पहले तो गर्मी में ये होता है कि आप लोग केकी फाउंडेशंस को अवॉइड करें. ठीक है, वाटर वेट फाउंडेशंस आते हैं. अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, फ्लॉलेस है, तो टिंटेड मॉइस्चराइजर से काम चला लें और थोड़ा सा कंसीलर लगा लें. इस तरह का मेकअप आप अपना पैटर्न चेंज कर दें, बिकॉज़ जो चीज़ सर्दी में हम लगा रहे होते हैं पूरे मुंह पे, वो कभी कभी गर्मी पे नहीं चलती है. सो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स, वाटर वेट फाउंडेशंस, और लिक्विड में भी एक पतले लिक्विड्स आते हैं. कुछ लिक्विड्स होते हैं वो बहुत ओवर पिगमेंटेड होते हैं, कुछ थोड़े से जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर पतला मेकअप करेंगे लाइक लाइट वेट होगा तो वो उतरेगा नहीं, मतलब लाइक वो लंबा चल भी जाता है. और उसका जो है ना, वो गर्मी में मेल्टिंग नहीं होती उसकी, क्योंकि उसकी लेयर इतनी पतली होती है कि उसमें और मेल्ट होने को कुछ होता नहीं है खास. ठीक है, दूसरा कंसीलर उसके साथ जाती है ना वो मेकअप, तो फिर कई अगर पसीने पाउडर आप प्रिपेयरिंग अच्छी करें, आपका प्राइमर मैट होना चाहिए. रिमेम्बर, मैं हमेशा जब मॉर्निंग शोज पे आती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि प्राइमर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक ड्यूई होता है, एक मैट होता है. आपने मैट प्राइमर यूज करना है ताकि वो होल्ड करे, बिकॉज आपको याद होगा मैंने आपको स्किन में एक दफ़ा चेक करके बताया था कि मैट प्राइमर में होल्डिंग की जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिफरेंट होती है और डूई में डिफरेंट होती है. सो अपनी स्किन को प्रिपेयर अच्छा करें, फेस वॉश अपना ऑयल फ्री रखें. जितनी स्किन प्रेप पे ज़्यादा तवज्जो देंगे वो ज़्यादा अच्छा है, तो वाटर वेट आराम से रुकेगा. ठीक है, अगर वाटर वेट से आपके कोई ब्लेमिशेस हैं या डार्क सर्कल्स हैं जो नहीं छुप रहे हैं, तो फिर कंसीलर यूज़ कर लें. कंसीलर में आपके पास शेप टेप है, उतरता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, गर्मी हो या सर्दी हो, बहुत अच्छा कंसीलर है, वो बाय कर सकते हैं. नार्स कंसीलर है ना, बता रही थी ड्रामे में ये कंसीलर लगाती है खाली और ब्लश वगैरह. तो आप तो मेबलिन वाला लगाती होंगी ना, वो जो ये तो ये वो वाली जनरेशन है जो मेबलिन पूरे का कंसीलर पूरे मुंह पे लगाती है. शी इज जस्ट 13 माशाल्लाह, बट शी डजंट नीड एनीथिंग. लुक एट हर स्किन, बहुत अच्छी है. बस हल्के से ऑब्वियसली टीनेज की वजह से जो है, उसके लिए बेटा खूब सारा पानी पियो. आई ट्राई टू सिट्रस फ्रूट्स, पानी हेल्प्स अ लॉट, प्लीज बिलीव मी. अब रोजे चल रहे हैं, आप लोग डिहाइड्रेटेड चल रहे होंगे. इफ्तार के बाद से एक बड़ी सी बोतल अपने पास, अगर ईद पर ग्लो करना चाहते हैं अपनी स्किन को, तो लंबी सी एक बोतल अपने पास रखें. रात को 11-12 बजे तक सब जाग रहे होते हैं, आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक एटलीस्ट एक पूरी लीटर की बोतल तो खत्म करें, ताकि उसमें मैं करती हूँ शो के दौरान 2 लीटर पानी पीती हूँ शो के दौरान एटलीस्ट, क्योंकि बंदा घर जाके भूल जाता है. तो यहाँ मैंने शहजादी को कहा प्लीज प्यारी बहन सवाब मिलेगा. उसके अलावा वाटर मेलन आए हुए हैं, पानी पिलाती हूं. उसके अलावा वाटर मेलन आए हुए हैं, वाटर मेलन का जूस कर लें. एटलीस्ट वो आपको 4 ग्लास की हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देगा. तो इस तरह की गिमिक्स आप कर सकते हैं. दूसरा ये कि ईद पे, अच्छा ये तो हो गया बेस, कंसीलर हो गया, पाउडर भी आप पाउडर की भी जो व्हाट डू यू कॉल इट कंसिस्टेंसी जो होती है, कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं गर्मी में. उसके अलावा कि पैनकेक्स कुछ स्किन को चलते हैं, कुछ स्किन को नहीं चलते. कुछ स्किन जो है वो पैनकेक से फटना शुरू हो जाती है. तो डिपेंड्स कि आपने नीचे बेस क्या लगाया है, पैनकेक ऊपर लगा रहे हैं. अगर तो टीवी स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो पैनकेक फिर चल जाएगा, क्योंकि स्टिक में ऑयल होता है. लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा वाटर वेट फाउंडेशन यूज़ करें और उसके ऊपर आपने वाटर पैनकेक लगाया, तो वो फट जाएगा. सो प्लीज़ पैनकेक का वाटर वेट या लाइट वेट फाउंडेशन को का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो आप उसके ऊपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं. ट्रांसलूसेंट पाउडर्स जो हैं वो आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं गर्मियों में. और उनको उनके छोटे वाली पैकेजिंग अपनी ट्रैवल पैकेजिंग जो होती है अपने बैग में रखें, ताकि आप गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ईदी मिलने जा रहे हैं दावतों में, आप अपना एक छोटा पाउच बनाएं ट्रैवल बैग, जिसमें छोटा वाला ट्रांसलूसेंट पाउडर का डब्बा है, आपकी लिपस्टिक टचअप है, छोटा शीशा है, ब्लश ऑन है. लिक्विड लिपस्टिक्स बेस्ट हैं गर्मियों के लिए. लिपस्टिक लाइबा, तुम कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक? मैंने अभी तो मैं उसकी जे डॉट की और बनानजा की. अच्छा, लिप पेंट सब बहुत में सूट करती है वो. टिंट्स कौन से यूज करती हो? मैं टिंट्स एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, इवन ऑर्गेनिक, उनका टिंट यूज करती हूं. और तुम कमल? तुम? मैं मेबेलिन यूज करती हूं मैट में. और अगर लिपस्टिक यूज करें तो हुदा की यूज करती हूं, ज्यादा मुझे सूट करती है. मुझे मैट वाली जो है ना, बहुत अच्छी, बहुत मजे की है. और तुम? हमारा
हुदा ब्यूटी लास्ट टू ईयर से बस ये थर्ड डे जो है मुझे इतना कलर पसंद है कि मैं लास्ट टू ईयर से मैं यही यूज यही हर जगह यही लगा बस यही खरीदती रहती होगी तुम थर्ड क्या नाम है इसका थर्ड डेट अरे यार ये तो वो वाली एज होती है जो सिर्फ आप अम्मी के मेकअप पे ही लगे होते हैं. मैं जब 13 की थी अल्लाह माफी दे मेरी अम्मी लिटरली अपना बेडरूम लॉक करके जॉब पे जाती थी बिकॉज वो मुझे कहती थी कि तुम मेरे मेकअप का सत्यानाश कर देती हो. And I used to try it on my maids. पीछे अम्मी नहीं होती थी मेड अम्मी कहती है सारा ब्रांडेड मेकअप मेड पे लग रहा है. What the hell is wrong with you? So yeah, अपने बच्चों को पीछे से अपना मेकअप रूम जरा लॉक करें. ये खतरनाक एज है. सो ब्लश ऑन आपका जो है वो ये सारी चीजों का एक ट्रैवल किट आप अपना अपना प्लीज रखें ईद वाले दिन बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह आप ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही घर जा रहे हैं. कुछ लोग पांच पांच घरों में भी जाते हैं ईद मिलने. ये रूटीन भी होता है क्योंकि वैसे नहीं मिल पाते. अब निदा ईदी भी तो नहीं छोड़नी होती ना यार. कहीं कहीं ईदी देनी भी पड़ती है. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ उर्वा हुसैन. सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट.